ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का आर्थिक संकट है या आप अच्छी तरीके से कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसा बच नहीं पाता या बार बार आपका खर्च बहुत अधिक हो जाता है धन, तो दोस्तों धन संबंधी किसी भी परेशानी के लिए आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है। दोस्तों माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और आर्थिक संकट से निकलने के लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना अनिवार्य है। दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़े हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी की ज़रूरत है वह भी इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये चार उपाय। सबसे पहले पूर्णिमा के दिन आपको घर में सत्यनारायण की कथा करवानी है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाता है सुनता है उसके घर में आर्थिक संपन्नता आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी जीवन में आर्थिक रूप से संकट नहीं देखना पड़ता ऐसे व्यक्ति को, तो आप पहले तो ये कराएं। दूसरा उपाय गणपति बप्पा से जुड़ा हुआ है। यदि गणेश जी की आराधना रवि पुष्प यानी कि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र और गुरु पुष्प अर्थात गुरु नक्षत्र और सर्वाद सिद्धि योग में की जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और पूजा करने वाले पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तीसरा उपाय है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के स्वरूप तिरुपति बालाजी की पूजा करने से भी धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति से। चौथा उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को खीर प्रिय है और उन माँ लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें। और बेहतर होगा यदि आप किसी जरूरतमंद कन्या को वस्तु या अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दान में दें, ऐसा करने से माँ और अति प्रसन्न हो जाएंगी और ये करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहेगी। दोस्तों ये कुछ उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। ये बेहद सरल हैं, अचूक हैं, इन्हें आप ऐसे ही करिएगा जैसे हमने बताया है। छोटी सी गलती भी आपको विफल आपका उपाय विफल कर सकती है और अपने कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान है। बाकी आप सब इन उपायों पर भगवान माता रानी पर छोड़ दें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों अब हम ऐसी ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए अगले दिन फिर लेके आते हैं। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।